हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज़ के पहले सेशन में, जहां आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो है आधुनिक भारत का इतिहास। स्पेक्ट्रम की जो बुक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, वही बुक से मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अभी हम लोगों का एम लक्ष्मीकांत भी चल रहा है। कई सारे बच्चों के दिमाग्स में कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि पॉलिटी का क्या होगा, हिस्ट्री और पॉलिटी कैसे होंगे। तो देखिए, स्पेक्ट्रम और जो लक्ष्मीकांत है, दोनों ये बुक्स काफ़ी बड़ी हैं, और अगर मैं आपको पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, और उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम शुरू करूँगा तो वो बच्चे जिन्हें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने सोचा है कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम दोनों को हम लोग साथ साथ चलाएंगे। एक दिन हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एक दिन हम लोग स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और भी जो सेशन साथ साथ में बीच बीच में हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे, तो सभी को एक साथ लेके चलेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता रहे, सभी के काम की चीज़ें यहाँ पर होती रहें। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में डाउट जो है उसको क्लियर कर लीजिए कि लक्ष्मीकांत भी आपका इसी समय पर होगा, स्पेक्ट्रम भी होगा, और भी जो होगा वो सारा 12 बजे, क्योंकि इसके अलावा थोड़ा सा समय का मेरे पास अभाव है, तो मैं नहीं चाहता कि काफ़ी सारा वेट आपको करना पड़े, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा भी है, रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा। एक सिर्फ पॉलिटी पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो पॉलिटी भी चलेगा, साथ साथ लक्ष्मीकांत भी जो है चलेगा, और आपका स्पेक्ट्रम भी चलेगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। पीडीएफ आपको पिछले सेशंस की पॉलिटी के सेशन नंबर 3, 4 और 5 की पीडीएफ कल आपको मिल चुकी होगी चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है? ज़रा ऑडियो वीडियो चेक कर लें एक बार। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि आप जितने लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे उतने लोग इस क्लास में हमारे साथ आएंगे, उतना मज़ा आएगा पढ़ने में, और उतने लोगों तक ये सेशन जाएगा, उतने लोगों को हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कवर होगा, क्लियर हो जाएगा, इतने सारे लोगों का हम एक साथ भला कर पाएंगे। जैसा कि हमारा मकसद भी है कि हम फ्री में निःशुल्क आपको यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चंचल कुमार सर ऑफिशियल ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को दबाइए, आपको सारे के सारे सेशंस की लिंक मिल जाएगी, आपको सारे के सारे सेशंस की, ठीक है, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकॉन को हिट करिए। तो हमारा आज का जो पहला सेशन है आधुनिक भारत का इतिहास, पहले भी मैंने आपको कई बार आधुनिक भारत का, मध्यकालीन भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया है, लेकिन इस चैनल पर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझिएगा, अगर आप डेली क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको सब अपने आप समझ में आने लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा एनर्जेटिक होते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे हम लोग ढील छोड़ने लगते हैं, कभी हम क्लास देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, तो इससे आपको ही नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम मेहनत का एग्ज़ाम तो है ही, पर ये डेडिकेशन का एग्ज़ाम भी है। यदि आप डेडिकेट नहीं है ना, डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी।
तो अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो उसको पूरा करिए। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू किया है या देखना शुरू किया है तो पूरा अंत तक देखिए और पढ़िए। यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू करते हैं तो अंत तक उसको पढ़िए देखिए, क्योंकि जब आप बीच में चीज़ों को छोड़ देते हैं तो तैयारी आपकी आधी अधूरी रह जाती है, फिर किसी को दोष देने का, ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को, पूरी सीरीज़ को आखिरी तक देखेंगे, डेली देखेंगे, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो चाहे वो स्पेक्ट्रम हो। पीडीएफ और नोट्स की चिंता मत करिए, सारे के सारे नोट्स आपको चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो नोट्स की भी कोई चिंता नहीं है। मैं आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि क्या आप खुद अपना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही मज़ेदार इतिहास है अपने आप में। ये इतिहास भारत में एक बहुत बड़े राजवंश के, जिसे आप मुगल वंश के नाम से जानते हैं, उसके पतन का काल है। ये इतिहास भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्यों के उदय होने का, शक्तिशाली होने का और नष्ट होने का इतिहास है। ये इतिहास भारत में कुछ यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आने का, आपस में संघर्ष करने का और उसमें अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित करने का इतिहास है। ये इतिहास भारत के अंदर एक यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के स्थापित करने का इतिहास है, उसकी नीतियों के द्वारा भारत के शोषण का इतिहास है, और ये इतिहास भारत को गुलाम बना के, उपनिवेश बना के खोखला करने का इतिहास है। ये इतिहास भारत के कई लोगों के जीवन, त्याग और तपस्या और बलिदान का इतिहास है, जिन्होंने पूरा जीवन अपना भारत के इस, हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए पूरा के पूरा अपना जीवन बलिदान दे दिया, पूरा के पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और अंततः ये भारतीयों के शौर्य, वीर गाथा और इतने वर्षों की साधना के परिणाम का इतिहास है कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए और इतने सालों की गुलामी के बाद जब हमने स्वतंत्र देश के तौर पर सांस लेना शुरू किया, वहाँ से हमने जो अपना खुद का विकास करने का निर्णय लिया और अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं बने, ये वो इतिहास है। बहुत मज़ा आएगा आपको यदि आप डेली क्लास को अटेंड करेंगे, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस प्रकार से परिस्थितियाँ भारत में परिवर्तित होती चली गई और किस प्रकार से भारत जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ये सारे के सारे जो है कारक जिम्मेदार रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम करेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टेक्निकली अगर आप देखें तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो शुरू होता है 1707 से, है ना। यदि आप 12वीं की NCERT भी उठाएंगे विपिन चंद्रा की, तो आप देखेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है औरंगजेब के मरने के समय से। जब औरंगजेब का निधन हुआ 1707 में, औरंगजेब के मरने के बाद से आपको वहाँ आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों ने प्रवेश करने के बाद यहाँ पर संघर्ष किया, कैसे अंग्रेजों ने सत्ता की स्थापना की, कैसे साम दाम दंड भेद को अपनाकर उन्होंने भारत में एक साम्राज्य बनाया, वहाँ से आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा ठीक से समझें, व्यवस्थित रूप से समझें, तो आपको शुरुआत थोड़ी पीछे से करनी होती है, क्योंकि जिन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में, जिन अंग्रेजों के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में, डचों के बारे में, और आगे जाके भारत को चूंकि उपनिवेश तो अंग्रेजों ने बनाया था, तो अगर आप उनके इतिहास को समझना चाहते हैं तो थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। 15वीं शताब्दी से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब भारत में पुर्तगाली आए, उनके पीछे पीछे डच आए, है ना, उनके पीछे पीछे ब्रिटिश, फिर डेनिश, फ्रेंच, और ये सारे लोग धीरे धीरे करके भारत आए। तो थोड़ा पीछे से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भारत में यूरोपियों का आगमन। हालांकि भारत में यूरोपीय का आगमन मध्यकालीन भारत का मामला है, आप देखोगे तो 15वीं शताब्दी में 1498 में भारत में पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा भारत आया, ये आधुनिक काल नहीं है, ये मध्यकाल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये मध्यकालीन भारत है, लेकिन पढ़ना आपको उस समय से ही थोड़ा सा पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको पूरा आधुनिक भारत का इतिहास भी बताऊंगा। क्या क्या हमारे लिए काम का है, क्या क्या हमारे जो है इस पूरी सीरीज़ में आगे होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि यूरोपियंस का आगमन होगा,
है ना, भारत में जो यूरोपीय आएंगे वो यहाँ आए, क्यों आए, आने का क्या कारण था, यहाँ आने के बाद क्या किया, कैसे आपस में संघर्ष हुआ उनके, और कैसे एक दूसरे से लड़के और उन्होंने भारत में प्रभुत्व स्थापना की कोशिश की। इसमें पुर्तगाल है, इसमें हॉलैंड है, डच है, एंड ऑफकोर्स ब्रिटिश तो है ही, इसमें डेनिश भी है, फ्रांसीसी भी है। फिर हम पढ़ेंगे भारत में जैसे इन सभी के बाद है ना, अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ भारत में जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी है, डच है, ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इनको भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। दूसरी तरफ क्योंकि व्यापारी के एकाधिकार भी है और सत्ता भी है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुगल जिनका पतन हो रहा है, एक बहुत बड़ा पेड़ अब गिर रहा है, अब एक बहुत बड़ा जो इमारत है, जो भवन है, वो खंडहर हो रहा है, जर्जर हो रहा है, तो उसकी जगह लेने के लिए कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। हम बंगाल पढ़ेंगे, अवध हैदराबाद पढ़ेंगे, है ना, इसके अलावा मराठा, सिख, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, अंततः अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ के, पछाड़ के, ब्रिटिश जो है आपको पता है कि वो भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए, उन्होंने भारत में साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ये विधिवत शुरुआत हुई, और उसने उन्होंने कैसे भारत में बंगाल को जीता, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध को जीता। फिर हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की नीतियाँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, किस प्रकार की भू राजस्व नीति अपनाई, किस प्रकार की शिक्षा नीति अपनाई, किस प्रकार से भारत में उन्होंने औद्योगिक नीति अपनाई, तो उसमें सहायक संधि, हड़प नीति, और ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके साथ ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, जैसे मैंने आपको बताया भू राजस्व नीतियाँ जो पढ़ते होंगे ना आप लोग, स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, वो सब यहाँ आ जाएगा। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कब, कैसे, क्यों किया गया। औद्योगिक नीति, किस प्रकार से भारत का औद्योगिक पतन हुआ, कैसे हम बर्बाद हुए, ठीक है। भारत में रेलवे, इस बार भी क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आया है, मेंस 2023 में इस बार भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने रेलवे के विकास से जुड़ा हुआ पूछा है, तो वो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो आपने धन निष्कासन, धन निकासी पढ़ी होगी, दादा भाई नौरोजी का जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत, कैसे अंग्रेजों ने भारत से पैसा जो है ले जा के अपना विकास किया। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, फिर सिविल सेवा, पुलिस, सैन्य, आर्थिक, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ जिसमें उन्होंने कई प्रकार के सुधार करने का ढोंग किया, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। जिसे सती प्रथा को बैन किया, है ना, भारत में विधवा विवाह के लिए कानून पारित किया। फिर भारतीय प्रतिक्रिया, तो फिर हमारे यहाँ जनजातियों ने विद्रोह किया, किसानों ने विद्रोह किया, 1857 का विद्रोह। फिर सामाजिक आर्थिक सुधार, जिसमें राजा राम मोहन राय और उनके जैसे कई सारे, ठीक है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज सुधार का प्रयास किया, वो सब। और आखिर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1947 तक किस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला, और राष्ट्रवाद कैसे भारत में उदय हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कांग्रेस की स्थापना, उससे जुड़े हुए विचारधाराएं, उसके नेता, और उसके बाद भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, पूरा यहाँ तक का हमें पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताइए। आपको डेली क्लास में आना है, 12 बजे पॉलिटी होगी, 12 बजे ही हिस्ट्री होगी, अलग अलग दिन में, तो आपको डेली आना है, और आप अगर आएंगे तो आपको और अच्छा लगने लगेगा। तो जैसा कि पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि अचानक से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। भाई आप पढ़ते हो कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए, उसके बाद एक पीछे पीछे डच, ब्रिटिश सब आए, क्यों आए अचानक से, ऐसा क्या था, ऐसा क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत में इन सब लोगों की बाढ़ आ गई, और इन्होंने एक एक करके भारत के साथ व्यापार करने को लेकर लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो भारत में यूरोपियों का आगमन हम सबसे पहले देखेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा इतिहास। ये बात 12वीं शताब्दी की है, मतलब वास्को डिगामा के आने के लगभग 200-300 साल पहले क्या हुआ कि भारत के साथ और पूर्व के साथ जो व्यापार होता था यूरोप का, उनमें इटली जो एक देश, आपने सुना होगा इटली का नाम, इटली ने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मतलब इटली जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगा था इस पूरे व्यापार को। और इसी के साथ एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता हो
कि इस काल में भारत और यूरोप का व्यापार शुरू हुआ, जब भारत कई सारी यूरोपीय कंपनियां आई, तो ऐसा नहीं है। भारत का व्यापार, आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता के काल से ही हमारा विदेशी व्यापार चलता आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोग विदेशी व्यापार करते रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से ही हमने काफ़ी सारा जो है पैसा कमाना शुरू कर दिया था। फिर प्राचीन भारत में हमेशा हमने जो है व्यापार, विदेशी व्यापार किया है। तो यूरोप के साथ भारत का व्यापार बहुत पुराना था, लेकिन समस्या ये थी कि वो जिन रास्तों से होकर हुआ करता था, वो रास्ते अब यूरोपियों के लिए बंद हो चुके थे। अब उन रास्तों से वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें चाहिए थे कुछ नए रास्ते। कुछ नए रास्ते, खास करके ऐसा कोई रास्ता जो यूरोप से होकर सीधा भारत तक चला जाए। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के साथ और यूरोप के जो पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार था, 12वीं शताब्दी के आसपास उस पूरे व्यापार पर एक देश ने एकाधिकार कर लिया, इटली। अब आपको पता है कि जब एक एकाधिकार करेगा तो दूसरे उसको जो है टांग खींचने की कोशिश करेंगे, दूसरों को ईर्ष्या होगी, जलन होगी कि हमें इसमें हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है। तो इटली ने जब एकाधिकार प्राप्त कर लिया तो दूसरे देशों को लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जो व्यापार हुआ करता था, वो व्यापार भारत और यूरोप के बीच में, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच में, स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। मतलब दोनों तरह के रास्तों का यूज होता था, पानी के रास्ते से भी और स्थल के रास्ते से भी। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के जरिए बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जरा यहाँ से आप देखिए, इस मैप को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यापार कहाँ से और कैसे होता था। ये है हमारा देश और यह है पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इस इलाके से जो व्यापार होता था, एक रास्ता जाता था इधर से, ये आपका आ गया फारस की खाड़ी। आपने देखा होगा ईरान के वहाँ फारस की खाड़ी आपको मैप में मिलेगी। तो भारत से सामान ले गए फारस की खाड़ी में और वहाँ से तुर्की और आगे बढ़ाते हुए इसको जो है यूरोप में और इधर ले जाया जाता था। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता जो था वो इस प्रकार से था कि वो यहाँ से अरब सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए, ये लाल सागर में जाता था। उस समय स्वेज नहर नहीं थी। आप सभी को स्वेज नहर के बारे में पता होगा। 1869 में स्वेज नहर जो है वो बन के तैयार हुई और उसका उपयोग शुरू हुआ। मतलब उससे पहले स्वेज नहर नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ जो था, ये सामान यहाँ लाल सागर तक लाने के बाद मिस्र में लाया जाता था और भूमध्य सागर के जरिए उसको इटली और दूसरे देशों में भेजा जाता था। समझ में आया? तो आपको दोनों रास्ते दिखाई दे रहे होंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला रास्ता ये इधर से जा रहा है और दूसरा रास्ता ये यहाँ से जा रहा है। देखो, पहला रास्ता जो फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी है यहाँ पर, ईरान के यहाँ पर मिलेगी आपको। यहाँ से होते हुए आप देखेंगे हॉर्मुज से होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए यूरोप जाएगा। दूसरा जल मार्ग था जो अरब सागर से होते हुए लाल सागर जाएगा, यहाँ लाल सागर है, और लाल सागर के वहाँ पर उस समय स्वेज नहर नहीं थी, तो इस सामान को कहाँ लेके जाते थे, इसको मिस्र में लेके जाते थे और मिस्र से इसको भूमध्य सागर से होते हुए इटली वगैरह में ले जाते थे। ये दो रास्ते हुआ करते थे। अब क्या हुआ ना, ये पूरा जब इलाका अरबों ने जीत लिया, इस पूरे इलाकों पर अरबों ने कब्जा कर लिया, तो यूरोप के भारत के साथ व्यापार के रास्ते बंद हो गए। अब भारत के साथ और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, पूर्वी एशिया के साथ साथ कैसे व्यापार करेंगे? और व्यापार ज़रूरी था क्योंकि मुनाफा वाला व्यापार था भाई, बहुत पैसा था इस व्यापार में। तो इन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो कि यूरोप से सीधा भारत आ जाए। समझे आप? देखो, अब इसमें कोई बीच में नहीं है, सीधा यूरोप से वो भारत आया। तो जब इन्हें ये पूरा रास्ता चाहिए था तो फिर इन्होंने खोज शुरू की कि नया रास्ता खोजना है ना। तो नया रास्ता जो है वो इन्होंने खोजने की शुरुआत की, और पहला काम जो शुरू किया, बार्थोलोम्यू डियाज। ये बात है 1487 में एक पुर्तगाली जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया, वो यहाँ से चला और वो ऐसे अटलांटिक महासागर में होते होते यहाँ तक आया। ये जो जगह आप देख पा रहे हो दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका के सबसे नीचे, और इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। आपने सुना होगा केप ऑफ
गुड होप के नाम से जानी जाती है। केप ऑफ गुड होप वो जगह थी जहाँ से इन्होंने व्यापार ठीक है करने के लिए यहाँ तक ये आ गए। तो केप ऑफ गुड होप तक आया लेकिन आगे नहीं आया, यहाँ से वापस चला गया, मतलब भारत तक वो नहीं आ पाया। इसके बाद बारी आती है कोलंबस की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी भारत को खोजने की शुरुआत की, हालांकि वो भारत नहीं आया और वो अमेरिका इस तरफ चला गया। वो इधर आने की जगह, क्योंकि अब पानी में रास्ता थोड़े ना पता चलता है कि कहाँ जा रहा है, तो भारत आने की जगह अमेरिका चला गया। फिर 1406 साल के बाद 1498 में इसी रास्ते का यूज़ करते हुए वास्को डी गामा आया यहाँ तक। यहाँ तक का रास्ता पहले से जानते थे, अब वो थोड़ा और आगे आया और वो आ गया यहाँ केरल में कालीकट बंदरगाह तक वो आ गया। तो कुल मिला के वास्को डी गामा जो था वो पहला ऐसा शख्स था जो कि यूरोप से भारत सीधा आया था, मतलब कोई देश बीच में नहीं आया, जिसने भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की, सीधे समुद्री रास्ते की। कई लोग बोलते हैं कि सर वास्को डी गामा को क्यों श्रेय दिया जाता है, जबकि वास्को डी गामा से तो पहले भी भारत लोग आते रहे हैं, भारत की खोज तो बहुत साल पहले हो गई थी। तो वो सही है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत तो सदियों से लोगों को पता है भाई, भारत तो सदियों से दुनिया के जो है नक्शे पर चमक रहा है, सदियों से भारत जो है अपना व्यापार करता रहा है दुनिया के साथ, तो भारत के बारे में सबको पता था और भारत तक आने वाले रास्ते भी थे जो मैंने बताया, जिनका यूज़ हम लोग पहले करते थे। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो भारत तक सीधा आएगा यूरोप से। तो यूरोप से भारत तक आने वाले सीधे समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? तो पहले मैंने आपको ये बताया कि इनको ज़रूरत थी एक ऐसा रास्ता जो सीधा भारत तक, क्योंकि अब अरबों ने जो है इस पूरे पुराने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया, तो इनका जो व्यापार है वो कम हो गया है ना। देखो इस चैनल पर लक्ष्मीकांत भी हो रही है, अगर आपने लक्ष्मीकांत के सेशन नहीं देखे तो अभी तक 6 सेशन हो गए, प्लीज़ उन सेशंस को भी देख डालिएगा। और अभी आज से ही स्पेक्ट्रम शुरू हुआ है, पहला सेशन है, तो अभी आपका स्पेक्ट्रम का कुछ छूटा नहीं है, तो इसको भी आगे वाले आने वाले सेशंस में डेली अटेंड करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। तो ये पूरा माजरा आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वास्को डी गामा जो है वो भारत आया। और वास्को डी गामा के आने के पहले कोशिश कर चुका था कौन? बार्थोलोम्यू डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन कहते ना कि इतिहास सिर्फ विजेता को याद रखता है, बार्थोलोमी डियास को कोई याद नहीं रखता। तो इससे एक सीख मिलती है कि जीवन में यदि कोई काम शुरू करते हो ना तो उसको पूरा करिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस काम को कहाँ तक किया, लोग आपको याद नहीं रखेंगे यदि आपने काम पूरा नहीं किया। बार्थोलोमी डियास को बहुत कम लोग जानते, बल्कि जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। वास्को डी गामा को दुनिया जानती है क्योंकि वास्को डी गामा ने उस काम को पूरा किया। थोड़ा सा ही आगे आया था वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो काफ़ी रास्ते तक आ चुका था। आप समझ में मेरी बात, छोटी सी सीख जो मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे या दुनिया आपकी तारीफ करे, दुनिया आपको सराहे, तो काम को कभी भी पूरा करिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आपको। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने प्रीलिम्स निकाले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने मेंस निकाले, कितने इंटरव्यू दिए, आप जब तक फाइनल सिलेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसको आप पाना चाहते हैं, और तब तक दुनिया भी आपके लिए तालियां नहीं बजाएगी। आपके ज्ञान की, आपकी मेहनत की, जो कुछ भी आपने किया है, यदि आप उसका पूरी परिणति चाहते हैं, आप फाइनल चाहते हैं, तो फिर फाइनल सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 बार इंटरव्यू दे दिए होंगे, कई लोग हैं जिन्होंने 5-6 बार मेंस दिए होंगे, कई लोग होंगे जिन्होंने 2-3 बार मेंस दिया होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बनना है तो वास्को डी गामा बनिए, बार्थोलोम्यू डियाज बन के मत रह जाइए। चलिए, तो ये जो मैंने आपको बताया, ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से
भारत आने के लिए रास्ते को खोजने की शुरुआत हुई और अंततः वो मिल भी गया। तो पहले जो मार्ग था वो मैंने आपको बताया, एक मार्ग जो है वो फारस की खाड़ी से जाता था, फारस की खाड़ी से वो होता हुआ इराक और तुर्की लाया जाता था, वहाँ से उसको जो है जेनेवा और वेनिस तक यूरोप में पहुँचा दिया जाता था। दूसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया वो लाल सागर से होता हुआ बताया कि आप अरब सागर से लाल सागर में जाएंगे और लाल सागर से आप वस्तुओं को मिस्र में ले जाएंगे और यहाँ से चूंकि स्वेज नहर तो उस समय थी नहीं तो आप उसको भूमध्य सागर के रास्ते से इटली ले जाएंगे। हो गया क्लियर? चलो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, किसने पूछा है मैं देख के बताता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है किसने, जैक स्पैरो ने, कि यूरोपियों का भारत में आने का कारण व्यापार तो था ही बट और क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, मैं आपको भारत में जो ये पुर्तगाली और जो यूरोपीय कंपनियाँ आई इसके क्या कारण थे, आखिर भारत आने के पीछे उनके मकसद क्या थे वो मैं आपको अभी बताने ही वाला था। व्यापार तो है ही और क्या कारण थे, तो एक कारण जो मैंने बताया कि ये लोग यूरोप के जो देश हैं वो इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। सारी मलाई इटली क्यों खा रहा है ना, तो इनको भी उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए था, एक तो कारण ये था। दूसरा, अटलांटिक तट पर बसे जो देश हैं वो अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे, खास करके पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल ने बार्थोलोमीडियास को भेजा, स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा, फिर पुर्तगाल ने वास्को डिगामा को भेजा, तो ये खास करके ये देश थे। तो अब हम आते हैं उस मेन बात के मुद्दे के ऊपर कि भारत आने के पीछे इनके कारण क्या थे, मकसद क्या थे। ओके, तो सबसे पहले समझो क्या क्या कारण थे। पहला कारण जो था भारत आने का वो था पुनर्जागरण। आपने अगर थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि यूरोप में बहुत ज़्यादा धर्म जो है वो एक ज़माने में हावी हो गया था। चर्च जो है सब कुछ तय करता, इवन राजा क्या करेगा, राज्य कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा, ये भी चर्च तय करता था। तो धर्म का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया था कि पूरा समाज रूढ़िवादी हो गया था, अंधविश्वासी हो गया था और कोई तर्क की, ज्ञान की, विज्ञान की बात नहीं करता था। ऐसे में इटली में कुछ लोग आए जिन्होंने विज्ञान की बातें की, जिन्होंने धर्म को राज्य से अलग करने की बात की, राज्य को धर्म के चंगुल से छुड़ाने की बात की और ऐसे ही लोग इटली में जो है यूरोप में पुनर्जागरण लेकर आए। इटली में और यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण एक कारण ये भी था क्योंकि अब ये विज्ञान की बातें करते थे, ये आगे बढ़ने की सोचते थे, ये वहीं ठहरे रहने वाले लोग नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले भारत में ये मान्यता थी कि समुद्र यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। आपने पढ़ा होगा कि एक समय भारत में ऐसा भी रहा है कि समुद्र यात्रा करना मतलब आपका धर्म भ्रष्ट हो जाना। अब सोचो ऐसी बातें कौन करेगा, ऐसी बातें कोई तार्किक व्यक्ति करेगा कि अंधविश्वासी व्यक्ति करेगा। तो हम भी ऐसे ही थे, समुद्र यात्रा नहीं कर सकते। अब समुद्र यात्रा नहीं करोगे तो नए नए इलाके कैसे खोजोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो इनके यहाँ पुनर्जागरण आ गया, पुनर्जागरण एक कारण था ही सही। फिर इसके साथ कृषि में निवेश जो है वो धीरे धीरे नुकसान वाला होने लगा। अब आप पैसा कहाँ लगाओगे, खेती में ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, आप अपनी पूंजी खेती में लगाते हो पर खेती से ज़्यादा निवेश से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इनको चाहिए था व्यापार में ऐसा पैसा लगाया जाए जिससे ज़्यादा मुनाफा हो और वो नए नए इलाकों से संभव था। इसके साथ कच्चा माल, आपको पता है कि जब आप उत्पादन करते हैं तो आपको कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल आपके पास होगा तो उत्पादन करिएगा ना। दूध नहीं होगा तो पनीर कैसे बनेगा, दूध नहीं होगा तो रसगुल्ला कैसे बनेगा, तो कच्चा माल चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए। तो कच्चे माल की आवश्यकता और यूरोप में कच्चे माल की जो है कमी हो रही थी, ये भी आपको जो है दूसरे देशों से संभव थी पूर्ति होना। फिर नवीन बाजार, कि जो माल ये बनाते थे उसके लिए इनको नए नए बाजार चाहिए थे बेचने के लिए, तो एक वो भी था। फिर पूर्व की धन संपदा, कई सारे यात्री, आपने नाम भी सुना होगा मार्को पोलो जैसे और कई सारे ऐसे यात्रियों का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग जब पूर्व की तरफ आए, पूर्व मतलब चीन, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहाँ के देशों की संपन्नता देखी उन्होंने कि इनके पास कितना पैसा है। जब ये वापस यूरोप गए तो इन्होंने जाके बताया कि पूर्व के देशों के पास में इतना पैसा है, इतना धन संपन्न, जैसे भारत को आप सोने की चिड़िया कहते हो। तो इन लोगों को पता चल गया कि इन देशों के पास कितना पैसा है, तो ये उन्होंने वहाँ जाके बताया। तो वो कहते ना कि लालच, लोभ,
तो भारत और पूर्व के देशों के जो धन संपदा है उसको हथियाने के लिए ये उसकी तरफ आकर्षित हुए। अगला ईसाई मत का प्रचार। भाई अरबों ने काफ़ी सारा साम्राज्य बना लिया था, कस्तुंतुनिया के बारे में आपको पता होगा, तो इस्लाम धर्म जो है ना वो बढ़ रहा था और ये चाहते थे अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और इसके लिए एक सहायता एक साधन धर्म को भी बना सकते थे कि धार्मिक रूप से लोगों को ईसाई बना दिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ आकर्षित होंगे, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को मानता है तो वो मक्का मदीना जाएगा जाएगा हज यात्रा पर जाएगा, और अगर इस्लाम को नहीं मानता है तो वो उस तरफ नहीं जाएगा, वो वहाँ की यात्रा नहीं करेगा। तो अगर ईसाई धर्म में जुड़ जाएंगे तो ये हमारी तरफ आएंगे और इससे अरबों का प्रभुत्व भी कम होगा। तो एक कारण था धर्म का प्रचार, खास करके भारत में ये काम पुर्तगालियों ने बहुत किया। पुर्तगाली भारत आए थे, उनका एक मकसद भारत में धर्म प्रचार भी था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे, ईसाई बनाना चाहते, इसके पीछे उनका एजेंडा था। आ गया समझ में? तो ये वो कारण है जिनकी वजह से, किसने ये क्वेश्चन पूछा था, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप यू गॉट योर आंसर, है ना, आई होप यू गॉट योर आंसर, आपको अपना उत्तर मिल गया होगा कि भारत आने के पीछे व्यापार तो था ही, और भी कई सारे कारण थे कि जिनकी वजह से, जैसे कोई व्यक्ति घर में है और घर से बाहर जा रहा है तो हो सकता है काम के लिए जा रहा हो, नौकरी पे जा रहा हो, लेकिन घर से निकलने का कारण सिर्फ जॉब नहीं होगा, हो सकता है घर में बोर हो रहा हो तो थोड़ा टहलने के लिए बाहर चला जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति से मिलना हो इसलिए बाहर चला जाए। तो ये सारे कारण थे भारत में आने के। अब एक एक करके ये भारत में आए, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां भारत आई और भारत आके यहाँ से उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो ऑब्वियस कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने व्यापार शुरू किया होगा। पुर्तगाली भारत आए, वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा यहाँ आया और यहाँ आके उसने क्या किया, सामान खरीदा जिसके लिए वो आया था, ये सामान वो यूरोप लेके गया उसी रास्ते से, और उसने उस सामान को कई गुना, कहते 60 गुना दामों पर बेचा, मतलब 60 टाइम्स जो है वो था मुनाफा, प्रॉफिट। दूसरे देशों को लगा कि यार बढ़िया है, ये व्यापार हमें भी करना है, इसमें तो बड़ा मुनाफा है, तो दूसरे यूरोपीय कंपनियाँ भी पीछे पीछे आई, है ना। तो यहाँ सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली स्टेट ना, पुर्तगाली क्योंकि ये व्यापार ईस्ट के साथ कर रहे थे ना, इसलिए इनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले स्थापना होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498 में। इन्होंने कोच्चि जो है केरल में वहाँ अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और यहाँ इनका काम शुरू हो गया। इसके साथ 1503 में ये फैक्ट्री लगी थी, तो पहली बात तो आपको याद रखना है 1498 में इनकी, ठीक है, कंपनी की स्थापना होती है, पहली फैक्ट्री भारत में 1503 में कोच्चि में इन्होंने लगाई थी। तो पुर्तगालियों का मामला धीरे धीरे अभी पूरा समझेंगे। इसके बाद में आते ब्रिटिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना 1599 में हुई थी। आपने पढ़ा होगा कि जो उस समय महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की, एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के एक कंपनी को, कुछ व्यापारियों को एक चार्टर जारी किया, एक एक्सक्लूसिव राइट जारी किया, अधिकार पत्र कि भाई आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस कंपनी में उनका भी एक शेयर था, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इसकी स्थापना 1599 में हुई थी और 1600 में इस कंपनी को चार्टर मिला। चार्टर मतलब अधिकार, व्यापार करने का अधिकार कि हाँ आप व्यापार कर सकते। उस समय कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ, पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, सिर्फ ये अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। सूरत में 1608 में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई, ये कहानी अभी हम लोग पढ़ेंगे, कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस प्रकार से भारत आया और जहांगीर के दरबार में गया, फिर थॉमस रो आया, वो हम लोग अभी देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में स्थापना हुई थी, लेकिन अंग्रेजों से पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री भारत में स्थापित की, इसलिए पुर्तगालियों के बाद हम डचों का नाम लेते हैं। मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1605 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इसके बाद फिर डेनिश मतलब डेनमार्क के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने वाला मामला,
तो जब बहती गंगा है तो हाथ धो लो। सभी यूरोपीय देश बड़े बड़े ट्राई करने लगे कि हमारा भी कुछ भारत में या पूर्व के देशों के साथ व्यापार में कोई हिस्सा मिल जाए। तो ट्रंकेबार में 1616 में पहली कंपनी की जो है इनकी स्थापना हुई थी, फैक्ट्री की 1620 में, और कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। लेकिन इस सब के बाद में आए थे फ्रेंच, इनमें सबसे आखिरी में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में जाके हुई और भारत में अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने वहीं स्थापित की जहां अंग्रेजों ने की थी, मतलब सूरत। सूरत में हुई 1668 में। इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बाद में दो ही हुए जिनके बीच ज़्यादा तगड़ा संघर्ष आपको मिलेगा, वो थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भी अंग्रेजों की तरह शक्तिशाली हो गए थे, खासकर डुप्ले का नाम आप सुनेंगे। डुप्ले नाम का एक गवर्नर आया, ठीक है, इसने क्या किया, इसने भारत में फ्रांसीसियों को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। और इसी के चक्कर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत में तीन युद्ध हो गए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक और तीसरा कर्नाटक युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही आपको मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से एक एक करके भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर डचों की जो है फैक्ट्री स्थापित हुई, फिर ब्रिटिश की फैक्ट्री स्थापित हुई, डेनिश की हुई, बाद में फ्रेंच की हुई। अब हम बात करते हैं इनमें सबसे पहले नंबर पर जो आए हैं, इनमें सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली। इतिहास में आपको बता चुका हूं इतिहास किस प्रकार का रहा है। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियास 1487 में पुर्तगाल से भारत के सीधे रास्ते की खोज में निकला, लेकिन आपको पता है ना कि वो कहां तक आया, वो केप ऑफ गुड होप तक आया, लेकिन भारत नहीं आया। 1498 में उसी रास्ते का उपयोग करके थोड़ा और आगे आ गया, वास्को डी गामा। तो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय इनमें से पुर्तगाली थे। उन्होंने भारत आने का जो सबसे बड़ा उनका था वो मसाले को व्यापार में ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने प्राचीन काल से काली मिर्च और अपने मसालों को खिला खिला कर यूरोपियों से बहुत सारा सोना और धन अर्जित किया था। तो हमारा मसाला व्यापार बड़ा फेमस था और हमारे जो मसाले हैं उनकी डिमांड पूरे यूरोप में थी, है ना। तो पूरे यूरोप के लोग जो है वो इस मसालों के व्यापार में इंटरेस्टेड हुआ करते थे और यही जो था सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। तो ये आए मसाला, देखो वस्त्र का व्यापार बाद में हिट हुआ, पहली सुपर हिट मूवी मसाला व्यापार की ही थी। वस्त्र व्यापार वाली मूवी बाद में चली, पर वो भी बहुत चली। इसमें भी आपको पता है काली मिर्च को तो हम लोग यवनिका बोलते हैं, यवनों को इतनी प्रिय थी कि इसका नाम ही पड़ गया यवनिका। ये लोग मांस को उस समय फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे, आपको पता है, ठीक है, आजकल तो स्टोरेज के लिए फ्रिज हुआ करता है, तो उस समय मांस वगैरह को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए काली मिर्च का प्रयोग करते थे। और भी कई तरीके के प्रयोग इनके मसालों के होते थे। तो इन्होंने भारत में एंट्री की मसालों के व्यापार को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग जगह पर इन्होंने फैक्ट्री, कारखाने, बस्ती और ये सब स्थापित किए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ और काम की बता दूँ कि जो ये शब्द आप सुनते हो ना फैक्ट्री, तो आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि फैक्ट्री मतलब ये आए इन्होंने ज़मीन खरीदी, फिर कोई मशीन लगाई होगी और फिर वहाँ कारखाने से इन्होंने सामान पैदा करना शुरू किया होगा। नहीं, नथिंग लाइक दैट। फैक्ट्री या कारखाना जो आप सुन रहे हैं ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। दरअसल उस काल में कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था यहाँ पर मशीनों से, मशीनें तो थी नहीं। तो ये क्या करते थे, यहाँ आके सामान को खरीदते थे। अब सामान कोई एक दो किलो तो है नहीं कि खरीदा और चल दिए वापस, सामान बहुत सारा सामान ये खरीदते थे। तो उस सामान को ये कहीं पर रखते थे, एक प्रकार का गोडाउन टाइप का, गोदाम टाइप का, तो वहाँ ले जाके उस सामान को रखा जाता था और वहाँ पर इनके ही देश के और सारे व्यापारी जो वहाँ से आए हैं सब साथ में रहते थे। अब उस समय एक दो दिन का मामला नहीं था, कई दिनों की यात्रा करके यहाँ तक आते थे, फिर यहाँ कुछ दिन रहते थे, फिर यहाँ से वापस जाते थे। तो ये जो फैक्ट्री है ना, ये एक प्रकार से इनके व्यापारिक केंद्र थे जहाँ वस्तुओं को खरीद के रखा जाता था, जहाँ ये लोग रहते थे, यहाँ से फिर ये सामान को एक्सपोर्ट किया करते थे। आ गया समझ में?
तो कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, यहाँ कोई मशीनें या ऐसा कुछ भी नहीं था, ये स्टोरेज थे ना, भंडार गृह हुआ करते थे जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता था और यहाँ से उनको यूरोप भेजा जाता था। अब देखो, अब समस्या ये है कि डर लगता था किस चीज़ से, कि माल खरीदा और माल खरीदने के बाद वो माल चोरी हो जाए, हो सकता है कि कोई डाकुओं का गिरोह हो जाए या कोई भी व्यक्ति जो है वो माल को चोरी करके ले जा सकता है। तो ये क्या करते थे, ये उसके आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बना लेते थे, समझ में, मतलब दीवारें बनाने से ये होता था कि थोड़ा सा सिक्योरिटी हो जाती थी और सिक्योरिटी पर्पज़ से ये वो दीवारों को बनाते थे, ऊंची ऊंची दीवारों को, इसको बोलते थे किलाबंदी। एक प्रकार से ये जो फैक्ट्री, ये जो कारखाने मैंने आपको बताए केंद्र, ये एक प्रकार के किले बन जाते थे, तो यही किलाबंदी कहलाती थी कि अपनी फैक्ट्रियों को, अपने वस्तुओं को, अपने सामान को बचाने के लिए ये आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बना लिया करते थे। आया समझ में कि नहीं आया, इज दैट क्लियर? कालांतर में यही किले इनके लिए बहुत काम आए, यही दीवारें, क्योंकि एक प्रकार से जब इनका कोई युद्ध होता था किसी दूसरे राजा से, किसी दूसरी व्यापारिक कंपनी से, किसी से भी, तो ये एक प्रकार के किले का काम करते थे। जैसे बड़े बड़े किलों में आपने देखा ना, ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती हैं और एक बड़ा सा गेट होता है, बस किले में आने जाने का एक गेट हुआ करता है, बाकी आप किले में नहीं जा सकते क्योंकि दीवारों की हाइट बहुत ऊंची होती थी। तो ऐसे ही इन्होंने किलाबंदी शुरू कर दिया। तो एक एक करके इन्होंने अपने सारे कारखानों के आसपास ऐसी दीवारें बनाने शुरू कर दी और वही दीवारें किलाबंदी के नाम से जानी गई। ओके? और अंदर क्या था, अंदर बस्ती हुआ करती थी पूरी की पूरी, कि भाई कोई पुर्तगाली भारत में अगर आया है व्यापार करने तो वो वहाँ उस केंद्र में चले जाए, तो पूरी बस्ती हुआ करती थी इनकी, जहाँ कुछ लोग परमानेंट रहते थे और कुछ लोग आना जाना लगातार किया करते थे। इज दैट क्लियर? तो ये किस प्रकार की फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या था, किस प्रकार का हुआ करता था, वो मैंने आपको बताया। बार्थोलोमी डियास की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि केप ऑफ गुड होप तक ये व्यक्ति आया और यहाँ से वापस गया। वास्को डी गामा वो पहला यूरोपीय बन गया जिसने भारत तक आने वाले सीधे समुद्री रास्ते की खोज की। 6 साल के बाद, कोलंबस के 6 साल के बाद वास्को डी गामा ने, देखो एक क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है कि आप लोग बड़ा बार बार पूछते हैं कि पूरा होगा कि नहीं होगा, और मैंने हमेशा एक ही आंसर दिया है कि ये आप पर निर्भर करता है, मुझसे मत पूछिए। यदि आप डेली इस सेशन को अटेंड करेंगे, आप मिस नहीं करेंगे, तो बंद नहीं होगा। यदि आप नहीं देखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, है ना। ये एक छोटा सा आपको बताए कि कॉमन सेंस का मामला है कि यदि आप किसी दुकान से सामान ले रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से सामान ले रहे हैं तो वो दुकान चलती रहेगी, यदि लोगों ने वहाँ से सामान लेना बंद कर दिया तो फिर वो दुकान बंद हो जाएगी। वैसे ही कोई भी सीरीज़ अगर चलेगी तो वो आप पर निर्भर है, आप देखेंगे वो चलती रहेगी। कोई टीचर कभी भी किसी सीरीज़ को बीच में बंद नहीं करता, आप पर ये सब निर्भर है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम इस सीरीज़ को चलाना चाहते हैं, मुझसे मत पूछिए। आप चलाना चाहते हैं चलेगी, ठीक है, आप नहीं चलाना चाहेंगे बंद हो जाएगी। और ये बात आपको भी पता है कि जब हम शुरू करते हैं ना तो शुरुआत में बड़े जोश में बच्चे रहते हैं, ये बात आपको भी पता होगी कि पहले सेशन, दूसरे तीसरे सेशन में खूब बच्चे आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो कम होने लगते हैं और यही कारण होता है कि आगे जाके वो बंद हो जाती है। अब यहाँ आपको मैंने बता दिया, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर आया। कहाँ आया? केरल। केरल में कालीकट का नाम आपने सुना होगा, वहीं पर कप्पक डाबू नाम का जो बंदरगाह है। हाँ, पीडीएफ मिल गया है, पिछले जो हमारे सेशंस हुए हैं उनका पीडीएफ आपको मिल गया है। टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल पर जाइए, इसका भी मिल जाएगा, आने वाले सेशंस का भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक आया। अब ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई भारत आया पुर्तगाली, उसको कोई जानता ही नहीं है ना, अब वो भारत आया और भारत आके व्यापार करना चाहता है तो कोई उसको परमिशन देगा? उस पर भरोसा क्यों करेंगे बताइए, क्या उस पर कोई भरोसा करेगा? नहीं करेगा ना। तो वो अपने साथ लेकर आया अपने जो राजा हैं वहाँ के, उनका एक पत्र। दरअसल
इससे क्या होगा, ऑथेंटिसिटी आ गई कि हाँ इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि एक राजदूत है, इसको वहाँ के पुर्तगाल के राजा ने भेजा है। तो उस समय जो पुर्तगाल का राजा हुआ करता था शासक डॉन हेनरिक, जिसको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, ये उसके दूत के रूप में आया था कि भाई मुझे मेरे राजा ने भेजा है यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करना आसान हो सकता है ना। जैसे अगर आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका भले आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा है, आपकी जेब में पैसा भी है, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जाएंगे, अभी ठीक है, चलिए, तो राजा का प्रतिनिधि बन के आने का ये फायदा होता है कि यहाँ जो राजा होगा, यहाँ जो शासक होगा, वो आपको उचित सम्मान देगा, है ना, वो आपको जो अधिकार आपको चाहिए थोड़े बहुत वो दे देगा, व्यापार करने की परमिशन दे देगा, ये सब फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो हिंदू शासक हुआ करता था जमोरिन, ये उसकी उपाधि हुआ करती थी, उसने भाई राजदूत है, वहाँ के राजा का प्रतिनिधि है, तो सम्मान तो देना पड़ेगा। तो जो एटिक्वेट्स होते हैं वो उसने दिखाए, उसका स्वागत किया 1500 ईस्वी में। फिर उसके बाद वो चला गया, वो वापस गया, वहाँ जाके उसने वो जो वस्तु, जो माल यहाँ से ख़रीदा था, वो माल वहाँ जाके बेच दिया। और उसके बाद में वो फिर से 1500 में एक और जो है पुर्तगाली अभियान, 13 जहाज़ों के ना लालच जो है ना वो बढ़ जाता है। अब इनका लालच बढ़ गया कि यार और ज़्यादा माल खरीद के लाएंगे, और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, तो अब की बार और बड़े जहाज़ों का बेड़ा भेज दिया और व्यापार शुरू हो गया। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया है, और उसके बाद 1524 में तीसरी बार। अगर आपको ये पूछा जाए कि वास्को डी गामा कुल मिला के भारत कितनी बार आया, 3 बार आया, और तीसरी बार ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया, सर्वे सर्वा बन के आया। तो 1524 में वो आखिरी बार भारत आता है, पर इस बार व्यापारी बन के नहीं आया, वायसराय बन के आया, वहाँ के जो पुर्तगाली लोग थे उनका प्रमुख बन के आया, और अंततः यहीं पर मर गया। वास्को डी गामा भारत से वापस फिर जीवित नहीं गया, है ना, क्या पता उसका भारत के साथ ऐसा क्या संबंध था कि उसने भारत तक आने की खोज ही नहीं की सीधे समुद्री रास्ते की, बल्कि यहीं पर जो है मिट्टी में उसको दफनाया गया। भारत आने के बाद वो जब तीसरी बार आया तो यहाँ उसका निधन हो गया, उसको भारत में कोच्ची में ही उसकी समाधि बनाई गई, उसको दफनाया गया। हालांकि बाद में उसमें से निकाल के उसको लिस्बन ले जाया गया, और उसके जो अवशेष हैं उसको पुर्तगाल में वहाँ की राजधानी लिस्बन में दफनाया गया है, लेकिन आपको फिर भी कोच्ची जो है वहाँ पर वास्को डी गामा की समाधि मिलेगी, हालांकि अंदर अभी वास्को डी गामा साहब नहीं है, है ना, तो वो लिस्बन में है। तो आखिरकार तीसरी बार वायसराय बन के आया, और इससे पहले इन्होंने, मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में अपनी पहली जो फैक्ट्री है उसकी इन्होंने कोच्ची में स्थापना की 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने कुन्नूर में की। तो व्यापार जो है धीरे धीरे चल पड़ा अच्छा खासा। तो वही चीज़ जो यूरोपियों के, मैंने भारत आने के जो उद्देश्य आपको बताए थे वो उद्देश्य तो है ही, लेकिन पुर्तगालियों के भारत आने के पीछे के दो उद्देश्य हैं, प्रमुख रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला, देखो एक क्वेश्चन में ना पूछा जा सकता है, पूछा जाता है किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि भारत में है, तो ये एकमात्र पुर्तगाली वायसराय है जिसकी समाधि भारत में है, वास्को डी गामा की। तो भारत आने के पीछे इनके जो भी मकसद थे उनमें दो बड़े मकसद थे, प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो वो दो थे। पहला कि जो अरब, जो कस्तुंतुनिया और जो अरबों का जो साम्राज्य है, और उन्होंने जो एकाधिकार कर लिया है, और इसके साथ इटली, इटली ने भी भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, उस एकाधिकार का प्रभाव समाप्त करना। तब इनका ये था कि सारी मलाई ये अकेले क्यों खा रहे हैं, है ना, ये थोड़ा बहुत हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए। और दूसरा, ऐसा तभी हो सकता है जब भारत में इस्लाम की जगह लोग ईसाई धर्म को अपनाएं, क्योंकि देखो जितने लोग भारत में ईसाई धर्म को अपनाएंगे उतना ज़्यादा इनको फायदा होगा। तो एक उद्देश्य ये था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो,
और ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो इनके भारत आने के पीछे दो उद्देश्य हैं, एक भारत से अरबों का, इटली के व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना, एकाधिकार समाप्त करना, और दूसरा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। और यही वो कारण है जो भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण भी बना। दरअसल ये थोड़े से धर्मांध हो गए, भारत में आए और आते ही शुरू हो गए ईसाई धर्म का आक्रामक तरीके से प्रचार करना शुरू कर दिए। भारत में आपको ये बात पता है कि हम वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अपने धर्म से प्यार करते हैं, है ना। हमारे लिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर कोई हमारे धर्म में, धार्मिक मामलों में दखल दे हमें बर्दाश्त नहीं होता। ये बात पुर्तगालियों को पता नहीं थी कि भारतीय जो है ना बहुत सेंसिटिव है धर्म को लेकर। यहाँ आए और धार्मिक प्रचार शुरू कर दिया, ईसाई बनाना शुरू कर दिया लोगों को, और इससे जो है बहुत चिढ़ गए भारतीय कि आप हमें धर्म में कन्वर्ट करोगे, आप हमें ईसाई बनाओगे। ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। इस मामले में अंग्रेज थोड़े से बुद्धिमान निकले। अंग्रेजों ने, मालूम है, अंग्रेज भारत में, मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 1608 में, ठीक है, पहली फैक्ट्री की स्थापना वहाँ हुई थी, और आपको पता है कि उन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी। कब दी? 1813 के चार्टर, मतलब तब तक भारत में स्थापित हो चुके थे, अच्छा खासा साम्राज्य बना लिया था, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए, तब जाके उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का रिस्क लिया, क्योंकि तब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हालांकि इसके लिए भी 1857 का विद्रोह हो गया भारत में। लेकिन ये बात पुर्तगालियों को नहीं, कभी कभी कहते ना कि गर्म नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाना चाहिए, वो ना गर्म गर्म खाने की कोशिश की, मुँह जल गया। तो भारत में आए और ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया, और इस वजह से भारतीयों में उनको लेके एक नेगेटिव इमेज बन गई, उनको पसंद नहीं करते थे लोग। और उल्टा शादी, एक पुर्तगाली वायसराय ऐसा आया जिसका आपने नाम सुना होगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है उसने पुर्तगाली पुरुषों से कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, जितनी ज़्यादा भारतीय महिलाओं से शादी करोगे उतना पुर्तगाल का स्थायी साम्राज्य यहाँ पर बन सकता है, और हम तो वो लोग हैं जो आज भी भारतीय से भी शादी करते तो जाति देख के करते हैं यार। हमारे आज भी कई लोग दूसरी जाति में विवाह करना जो है वर्जित मानते, गलत मानते। यहाँ तो लोगों को जाति से भी आपत्ति है, और आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ की लड़कियों से शादी कर लोगे, तुम्हें तो जाना ही था। ऐसी हरकतें करके भारत में टिक नहीं सकते, तो ये इनके पतन के भी कारण आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके गवर्नर। जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे व्यापार बढ़ गया, काफ़ी सारी फैक्ट्री, काफ़ी सारे केंद्र हो गए, और अब लगने लगा कि भारत में थोड़ा सा शासन वगैरह भी स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा क्या था कि इनके व्यापार को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चलाना है, संरक्षित करना है, जो व्यापार चल निकला है उसको बचाना भी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्यक्ति का जो है कि नियुक्ति करनी शुरू कर दी जो ये सारा मामला संभालेगा। ये पूरे पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख होगा, इसको कहा गया गवर्नर, है ना, वायसराय। तो इन्होंने पहले गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम के एक पुर्तगाली को, कि भाई अब आपको पूरे भारत में जो है व्यापार बढ़ाना है, व्यापार को बचाना है और लंबे समय तक चलाना है। तो 1505 में जब पहली फैक्ट्री इनकी बनी तो उस फैक्ट्री का जो हेड था, सर्वे सर्वा, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से 1509 तक ये गवर्नर रहा, और इसका मुख्य उद्देश्य था पुर्तगालियों का जो ये व्यापार है, है ना भाई, सिर्फ एक बार टॉप करना काफ़ी नहीं होता, उस पोजीशन को लगातार मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आपने भारत में अच्छा खासा व्यापार शुरू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा आप पूर्व के देशों के साथ मुनाफा कमा रहे हो, तो अब दूसरे लोगों की नज़र भी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा, अपने व्यापार को सुरक्षित रखना है, कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका उद्देश्य था उस व्यापार को सुरक्षित करना, इसलिए इसने शांत जल की नीति अपनाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी।
कि भाई ये तभी हो सकता है जब हिंद महासागर में पुर्तगालियों को सबसे शक्तिशाली बना दें। अगर पुर्तगाली पूरे हिंद महासागर में सबसे बड़ी ताकत बनेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठा के देखने की भी, तो फिर सब शांत होगा, है ना। शांति की स्थापना ऐसे भी होती है कई बार कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ वाले जो आसपास के लोग हैं वो डरे सहमे रहेंगे, चुप रहेंगे, तो शांति रहेगी। बराबरी के लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में टकराव होता है, है ना। तो जैसे एक व्यक्ति के पास गन है और दूसरे व्यक्ति के पास गन नहीं है, तो वहाँ शांति होगी। दोनों के पास गन होगी तो धाएँ धाएँ शुरू हो जाएगी। तो यदि आप पूरे हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का दबदबा बना देते हो, यदि आप पूरे हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना को एक तरफा जो है शक्तिशाली बना देते हो, तो शांति की स्थापना हो जाएगी। इसको क्या कहा गया? इसको शांत जल की नीति कहा गया। इज दैट क्लियर? तो अभी तक आपको जो मैंने बताया क्या क्या पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था भारत में? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि शांत जल की नीति को किसने अपनाया और वो नीति क्या है, वो भी मैंने बता दिया। तो इसमें इन्होंने क्या किया, शांत जल की नीति अपनाई। वस्तुतः पुर्तगाली सरकार की ओर से कहा गया था कि पुर्तगाली व्यापारी ऐसे दुर्गों का निर्माण करें जिससे सिर्फ सुरक्षा नहीं हो बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना भी हो जाए, ठीक है। इसी को शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, कि आपको अपने व्यापार को सुरक्षा तो देनी ही देनी है, सुरक्षित रखना है अपना व्यापार, इसके साथ साथ आपको दूसरे व्यापार पर नियंत्रण भी करना है। आप समझ रहे हैं कि आप अगर शक्तिशाली हुए तो अपने आप को तो बचा ही लेंगे, लेकिन दूसरों को भी आप दबा सकते हैं, दूसरों को भी चमका सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के पास गन है तो वो खुद तो अभी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा। देखो वर्तमान में जैसे आप अमेरिका को देखते हो ना, अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, तो अमेरिका खुद तो सुरक्षित है ही, किसी की हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका की तरफ आंख उठा के देख सके। दूसरा, अमेरिका अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग भी करता है, छोटे मोटे देशों को चमकाता भी है, डराता भी है, धमकाता भी है, मनमानी भी करता है। तो वैसे ही अगर आप शक्तिशाली बनोगे ना, तो आप खुद तो अपने आप को बचाओगे ही, दूसरों को भी नियंत्रित कर पाओगे। यही नीति क्या है? यही नीति शांत जल की नीति है, जिसके अंतर्गत आपको हिंद महासागर पर अपना एक प्रकार से एकाधिकार कर लेना है, पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लेना। क्लियर? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, जिसने शांत जल की नीति अपनाई और जिसको हमने अभी समझा। इसके बाद अगला इसका जो है जो काम था वो ये कि इसकी वजह से पुर्तगालियों की जो नौसेना है वो पूरे हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली नौसेना बन गई। इसके काल में पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा, यही तो चाहते थे, यही उद्देश्य था, यही मकसद था कि हिंद महासागर को कैप्चर करना, और सबसे शक्तिशाली बन गए
और इसके साथ ही कुछ समय के लिए तो हिंद महासागर की ये हालत हुई कि हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बन के रह गया यार। इतना इतना पावरफुल इसने हिंद महासागर में पुर्तगाल को बना दिया, तो ये पुर्तगाली सागर के रूप में बन के रह गया कुछ समय के लिए। अगला जो गवर्नर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पुर्तगालियों की बात करें तो उनका जो दूसरा गवर्नर भारत में आया ये पुर्तगालियों का सबसे शक्तिशाली गवर्नर माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भारत में पुर्तगालियों की जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसकी स्थापना करने का वास्तविक जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो इसको जाता है। इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जस्ट रिमेंबर द नेम, नाम याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 6 साल तक ये पुर्तगाल का भारत में गवर्नर रहा, और भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला, कैसे वो अभी बताऊंगा। तो अभी आपसे पूछे कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी, वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने गोवा को 1510 में इसने गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा जो आपको पता है कि भारत का एक समृद्ध बंदरगाह था, आज भी भारत का ऐसा राज्य है जो बहुत ज़्यादा आपको पता है विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, वो इसके पास चला गया। यहीं से पुर्तगालियों के गोवा पर कब्जे की शुरुआत हुई, और 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के पास रहा। बताइए 451 सालों तक भारत में अंग्रेज आए, आके सत्ता स्थापित किए, राज कर लिए, चले भी गए। उसके बाद तक अंग्रेजों के जाने के भी आप देखेंगे कि 14 साल बाद तक जो गोवा है वो पुर्तगालियों के पास रहा है। तो 1510 में गोवा का जो बंदरगाह था वो इस पर अधिकार कर लिया, और वो उस समय किसके पास था, बीजापुर का सुल्तान जो था यूसुफ आदिल शाही। इतिहास में आप पढ़े होंगे ना, बहमनी साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा। बहमनी साम्राज्य जो हसन गंगू था उसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य के कई सारे टुकड़े हुए थे, अलग अलग छोटे छोटे राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ऑफकोर्स आपने पढ़े होंगे सब। तो उसी में से एक बीजापुर था। तो बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाही, उसके कब्जे में गोवा आता था, और उसको जो है उसे इन्होंने छीन लिया। फिर 1511 में इसने मलक्का और 1515 में हॉर्मुज पर भी कब्जा कर लिया। मतलब जो लिंक थी अरबों के और इटली के भारत के साथ व्यापार की, हॉर्मुज, उसको कब्जा लिया। हॉर्मुज आपको पता है कहाँ है, फारस की खाड़ी अगर आपने देखी हो तो वहाँ मिलेगा, ईरान के वहाँ पर हॉर्मुज बंदरगाह। अगर हॉर्मुज बंदरगाह ना हो तो आप नहीं जा सकते हॉर्मुज के बिना फारस की खाड़ी में। अरब सागर से फारस की खाड़ी जाने के लिए हॉर्मुज एक बीच का रास्ता है जो कनेक्ट करता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। और दूसरा आप देखेंगे मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, और अगर आप हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाना चाहें तो वहाँ मलक्का जो आपको मिलेगा इंडोनेशिया और मलेशिया के वहाँ पर, वो एक इम्पॉर्टेंट जलमरु मध्य है। तो हॉर्मुज और मलक्का दोनों पर कब्जा कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण, रणनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण जगह थी जो इनके हाथ में चली गई। इससे ये बहुत शक्तिशाली हो गए, ठीक है। फिर इसके साथ गोवा पर तो मैंने बता ही दिया कि 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया, बीजापुर के सुल्तान के पास में ये हुआ करता था। तो इससे इनको बड़ा फायदा हुआ क्योंकि इनका व्यापार कई गुना बढ़ गया, ठीक है। इसी के साथ अल्बुकर्क ने और क्या किया, अल्बुकर्क ने कई और इलाकों पर जो है किले स्थापित कर लिए, जीत लिए, जैसे लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप है वो इसने जीता, सुमात्रा के कई सारे इलाकों को, श्रीलंका में कोलंबो आदि जगह पर नए नए नेटवर्क इशू है थोड़ा सा बार बार। चलिए तो आज सेशन को यहीं तक रखेंगे, इंटरनेट आज हमारा साथ नहीं दे रहा है। बस ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो गया, इसने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी पुर्तगालियों को, ठीक है, प्रोत्साहित किया। जितने भारतीयों से आप शादी करेंगे उतना भारत में पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती की स्थापना होगी, है ना। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, आप सभी
लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी देखो सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, जाते जाते सेशन को लाइक कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए। और एक काम जो आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ आगे बढ़े और भी लोग इससे जुड़े, तो इसको शेयर कीजिए और अनकेजी जो है ये चैनल जो है हमारा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले सभी सेशंस जो हैं वो यहीं पर मिलेंगे मेरे। और बेल आइकॉन को हिट करिए, टेलीग्राम पर जाइए, PDF कहाँ मिलेगा इस सेशन का और बाकी सेशन का PDF टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल पर जाके मिलेगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।